जनपद मैनपुरी के करहल से खबर, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं, जहां भूमाफियाओं ने करहल की सब्जी मंडी और तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था, जिसको बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है। वहीं तहसीलदार राकेश कुमार जयंत ने बताया, तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के आदेश हो चुके थे। इस अवैध कब्जे को हटवाया जाना था, क्योंकि रिवेन्यू और पुलिस चुनाव में व्यस्त थी, इसलिए उस समय तालाब से अवैध कब्जा नहीं हट पाया था। अवैध कब्जा धारकों को नोटिस भी दिए गए थे। नोटिस के बाद जब कब्जा नहीं हटाया तो राजस्व विभाग, नगर पंचायत, पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जे को हटवाया। उन्होंने बताया, अवैध कब्जा धारकों पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। तहसीलदार ने क्या कुछ कहा, जानकारी देते हुए क्या बताया, जरा आपकी सुनिए। अतिक्रमण अभियान चलाया है, उसमें आज कई लोगों का जो हटाया है, किन किन लोगों को हटाया और किस तरह का अभियान कर चुका है? देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और शासन की नीति के अनुरूप जो हमारे क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में तालाबों पर अतिक्रमण है, अतिक्रमण और भूमि पर भी है, लेकिन जो तालाबों पर हैं उसको वरीयता के अनुसार अपने न्यायालय से बेदखली आदेश कर उनको हटाया जा रहा है। जो गाँव में खेती करके या कुछ ऐसा अतिक्रमण करके तालाब रखे हैं, उनको हमने उसी क्रम में गांव शंकरपुर में लगभग 12 हेक्टेयर भूमि पर जो तालाब में खेती करके लोगों ने कब्जा कर रखा था वो हटाया है। और ये कस्बा करहल में 1.141 हेक्टेयर जमीन पर तालाब की भूमि है, और उस पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर चार दीवारी कर और मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। तो वो सब अतिक्रमण हमने अपने न्यायालय में, तहसीलदार कोर्ट में उनके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई की, उनको नोटिस निर्गत किए गए, मुकदमा चला और उनसे बेदखली के आदेश कर दिए गए। उस बेदखली के आदेश के क्रम में अब उनको नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं, भाई आप अपना अतिक्रमण, चूँकि न्यायालय से आदेश हो चुका है,